मेरी फार्म में बहुत सारी मुर्गियां हैं और मैं उनका बहुत ख्याल रखता हूँ, मगर फार्म का हिसाब किताब संभालने में फातिमा मेरी बहुत मदद करती है। वो एक बहुत ज़हीन लड़की है। जानते हो फातिमा अपनी ज्यादातर मुश्किलों का हल कैसे निकालती है? मल्टीप्लिकेशन से। फातिमा बेटा, मुझे दुकानदार को बताना है कि हम उन्हें महीने में कितने अंडे दे सकते हैं। हमारे फार्म में 1152 मुर्गियां हैं। हर मुर्गी एक महीने में 28 अंडे देती है। मुझे हिसाब लगा कर बताओ कि एक महीने में हमारे फार्म से कितने अंडे मिलते हैं। 1152 को ऊपर लिखा और 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरा आंसर 16 आया, जो कि 2 डिजिट नंबर है। मैं 6 को 1s के प्लेस पर लिखूंगी और 1 को कैरी फॉरवर्ड करूंगी। 8 टाइम्स 5 40 होता है। इसमें कैरी फॉरवर्ड 1 को ऐड कर दिया तो आंसर बन गया 41। अब मैं 1 को 10s की प्लेस में लिखूंगी और 4 कैरी फॉरवर्ड करूंगी। अब क्या 8 टाइम्स 1 8 होगा और कैरी किया हुआ 4 इसमें ऐड होगा तो ये 12 बन जाएगा। अब 2 को 100s की प्लेस पर लिखा और 1 को कैरी फॉरवर्ड किया। दोबारा 8 टाइम्स 1 8 होता है और कैरी फॉरवर्ड 1 को इसमें ऐड किया तो 9 आंसर आया। ये बन गया 9216। अब मैं सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगी। ये डिजिट तो 10s की प्लेस पे है तो मुझे आंसर भी 10s की प्लेस से शुरू करना होगा। 6 के नीचे एक जीरो लगा देती हूँ, क्योंकि हमेशा 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में जब भी लेफ्ट वाले नंबर यानी 10s के डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में 1s की प्लेस पर जीरो लिख देते हैं। ऐसा करने से मुझे याद रहेगा कि मैं 2 10s से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत आसान है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 10, 0 नीचे लिखा और 1 कैरी किया। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2। इस तरह बन गया 23,040। अब मैं बेसिक एडिशन यानी जमा करूंगी। 6 के नीचे 0 है तो 6 प्लस 0 इज 6, इसलिए मैं 6 को ऐसे ही नीचे उतार देती हूँ। उसके बाद होगा 1 प्लस 4 इज 5, 2 प्लस 0 इज 2, 9 प्लस 3 इज 12, 2 नीचे लिखा और 1 कैरी किया। 2 में कैरी किया हुआ 1 ऐड हुआ, ये बन गया 3, तो आंसर बन गया 32,256 eggs। अबू, मैंने हल निकाल लिया। हम दुकानदार को हर महीने 32,256 eggs दे सकते हैं। फातिमा कितनी समझदार है, उसने मल्टीप्लिकेशन की मदद से कितने मुश्किल सवाल का हल निकाल लिया। फातिमा ने मल्टीप्लिकेशन के जरिए फार्म के हिसाब किताब में मेरी बहुत मदद की है, लेकिन आज वो स्कूल गई हुई है। अब तो आपको भी मल्टीप्लिकेशन करना आ गया होगा। क्या आप हिसाब में मेरी मदद करेंगे? हम अपने फार्म में अंडों को डब्बों में बंद करके दुकानदार को बेचते हैं। एक बॉक्स की कीमत 102 रुपीज है और हर साल में हम बाजार में 62,596 बॉक्सेस बेचते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पूरे साल में फार्म की कितनी कमाई होगी? 62,596 को 102 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोशिश कीजिए। जी हाँ, हमारा फार्म एक साल में 6,384,792 रुपीज कमाएगा। शाबाश।